दोस्तों साल 2022 की मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड फिल्मों में से एक विक्रम वेदा रिलीज हो चुकी है, जिसका बॉक्स ऑफिस पर टक्कर पोनियन सेल्वन जैसी बड़ी फिल्म से हुआ है। जहां क्रिटिक्स के तरफ से तमिल फिल्म PS1 का निगेटिव रिव्यू मिला है, वहीं विक्रम वेदा रिमेक होने के बावजूद फिल्म को सभी क्रिटिक्स के तरफ से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म में सैफ अली खान की एक्टिंग की तारीफ हर कोई कर रहा है, साथ में ऋतिक रोशन ने अपने जादुई एक्टिंग से एक बार फिर से सभी लोगों को अपना मुरीद बना लिया है। तभी तो लोग फिल्म देखने के बाद ऋतिक रोशन की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहे हैं। दोस्तों द सिनेमा व्यू के इस नए वीडियो में हम आपको बताएंगे विक्रम वेदा फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों अभी तो आप सभी को पता होगा कि ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा फिल्म 2017 में रिलीज हुई तमिल फिल्म विक्रम वेदा का ऑफिशियल हिंदी रिमेक है। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि इस फिल्म की कहानी का आइडिया साल 1986 में प्रसारित विक्रम और बेताल TV सीरियल से लिया गया है। नंबर 2, इस ऋतिक रोशन फिल्म को डायरेक्ट ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गायत्री और पुष्कर की जोड़ी ही कर रहे हैं, जो कि रियल लाइफ में पति पत्नी है। नंबर 3, दोस्तों जहां ओरिजिनल तमिल फिल्म विक्रम वेदा को बनाने में मात्र 11 करोड़ की अमाउंट लगी थी, वहीं बॉलीवुड में जब इस फिल्म का रिमेक किया जा रहा है तो इस फिल्म का बजट 175 करोड़ रखा गया है। नंबर 4, दोस्तों फिल्म के मेकर्स ने सबसे पहले विक्रम और वेदा के कैरेक्टर के लिए शाहरुख खान और सैफ अली खान को फाइनल किया था, लेकिन शाहरुख खान कोई भी रिमेक फिल्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। नंबर 5, शाहरुख खान के फिल्म में मना करने के बाद वेदा के कैरेक्टर के लिए आमिर खान को इस किरदार के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन आमिर को फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए आमिर ने भी 2020 में इस फिल्म से अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर जाकर कहीं इस रोल को ऋतिक रोशन ने एक्सेप्ट किया। नंबर 6, बॉस जहां ओरिजिनल तमिल फिल्म विक्रम वेदा की पूरी कहानी चेन्नई में बेस्ड थी और फिल्म की शूटिंग भी चेन्नई में ही की गई थी, वहीं इस रिमेक फिल्म की पूरी कहानी लखनऊ और कानपुर में बेस्ड होने वाले है। नंबर 7, इस फिल्म की शूटिंग UP के लखनऊ, कानपुर और UAE में बड़े बड़े सेट्स को लगाकर एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए, जहां बड़े बड़े सेट्स को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया जिसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे यह फिल्म UAE में नहीं बल्कि लखनऊ और कानपुर में शूट की गई है। नंबर 8, दोस्तों विक्रम वेदा फिल्म की शूटिंग को उसी जगह शूट किया गया जिस जगह सलमान खान की 2017 की सुपरहिट फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग की गई थी। मेकर्स ने उसी सेट को एक बार फिर से रिक्रिएट किया और फिल्म के बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस शूट किए। नंबर 9, दोस्त अगर बात हो रही फिल्म की शूटिंग की तो मैं आपको बता दूं इस फिल्म की शूटिंग टोटल 99 दिनों तक चली है, जिसमें से 1 महीने शूटिंग अबू धाबी और बाकी के लखनऊ और कानपुर में की गई है। नंबर 10, भाई जहां ओरिजिनल फिल्म के मुख्य किरदार में आर माधवन, विजय सेतुपति और सरदार श्रीनाथ नजर आई थी, वहीं बॉलीवुड के इस रिमेक फिल्म में आर माधवन को सैफ अली खान, विजय सेतुपति के कैरेक्टर को ऋतिक रोशन और सरदार श्रीनाथ के किरदार को राधिका आप्टे फिल्म में आपको रिप्लेस करते हुए नजर आएंगी। नंबर 11, दोस्तों फिल्म में सैफ अली खान और राधिका आप्टे पति पत्नी के किरदार में नजर आए हैं, जहां सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर और राधिका आप्टे एक क्रिमिनल लॉयर की भूमिका में नजर आएंगे। नंबर 12, फिल्म में आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी, जहां सैफ अली खान ऋतिक रोशन को पकड़ते हुए दिखेंगे, वहीं उसकी दूसरी तरफ राधिका आप्टे लॉयर की भूमिका में नजर आएंगी जो फिल्म में ऋतिक रोशन की तरफ से केस लड़ते हुए नजर आएंगी। नंबर 13, दोस्तों इस फिल्म के जरिए ऋतिक रोशन और सैफ अली खान दूसरी बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी साल 2002 में न तुम जानो न हम फिल्म में नजर आए थे, इट मीन्स दोनों एक साथ 20 साल बाद बिग स्क्रीन पर नजर आएंगे। नंबर 14, वैसे बॉलीवुड की इस फिल्म के लिए सभी गानों के लिरिक्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर, जो ऑलरेडी बहुत सारे सुपरहिट गाने जैसे तेरी मिट्टी, गलियां और कैसे हुआ के लिरिक्स लिख चुके हैं। वो इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करेंगे विशाल और शेखर की जोड़ी। नंबर 15, विक्रम वेदा 30 सितंबर 2022 को रिलीज हो चुकी है और इसी दिन तमिल सिनेमा से इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म PS1 भी रिलीज हुई है, जो तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ टोटल 5 भाषाओं में पैन इंडिया रिलीज हुई है। नंबर 16, दोस्तों यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बॉलीवुड के इस रिमेक विक्रम वेदा को टोटल 100 देशों में रिलीज किया गया है, जिसमें से यूरोप के 22 देश और अफ्रीका और अमेरिका के लगभग 27 देशों में भी रिलीज किया गया है। भाई सोच सकते हो बॉलीवुड वाले इसको कितने ग्रैंड लेवल पर रिलीज किया है। नंबर 17, दोस्तों यह फिल्म टोटल 4100 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज हुई है, जो ऋतिक रोशन की अब तक की इंडिया में सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली फिल्म बनने वाली है, क्योंकि उनकी 2019 में रिलीज हुई फिल्म वॉर मात्र 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जो कि अब दूसरे नंबर पर है। नंबर 18, दोस्तों जहां ओरिजिनल फिल्म विक्रम वेदा को प्रोड्यूस एस शशिकांत ने अकेले किया था, वहीं इस बार रिमेक फिल्म को एस शशिकांत, भूषण कुमार और कृष्णा कुमार तीनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर 19,
वही फिल्म का बैकआउट भी जोर शोर से किया जा रहा है। फिल्म के बैकआउट करने का एक रीजन ऋतिक रोशन के जोमेटो ऐड का भी है, जिसके अराउंड ऋतिक रोशन को एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। जहां ऋतिक रोशन जोमेटो के ऐड में उज्जैन शहर के महाकालेश्वर मंदिर का जिक्र किया। नंबर 20, भाई ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा फिल्म की बैकआउट होने का कारण खुद ऋतिक रोशन ही है। अब बैकआउट करने वालों का कहना है कि जब सभी लोग लाल सिंह चड्ढा का बैकआउट कर रहे थे, तब ऋतिक रोशन ने आमिर के लाल सिंह चड्ढा को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए थे और ट्वीट करके कहा था कि इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस न करे। इसलिए पब्लिक ऋतिक रोशन की इस रिमेक फिल्म का बैकआउट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये रही ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा के कुछ अननोन फैक्ट। अब आप हमें कमेंट करके बताइए ऋतिक रोशन की इस फिल्म को देखने के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं या नहीं। वैसे अगर आपने हमारा यह वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।